हेलो गाइस, तो अभी तो हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 14 पढ़ लिए हैं और आज अगला टॉपिक है कि दो अंकी संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखें, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी दो अंकीय यदि किसी दो अंकीय संख्या के अंकों को पलटकर यदि किसी दो अंकी संख्या के अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी दो अंकी संख्या के सही है दो अंकी संख्या के अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी कहने का मतलब, यदि किसी दो अंकी संख्या के अंकों पर पलटकर मूल संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, ये तो नोट पॉइंट लिखा दिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किससे विभाजित होता है। सही है, अब देखें 11 से कैसे विभाजित होता है। यानी कि दो अंकी संख्या, जैसे मान लो 25 लिखे तो हम इसको 20+5 लिख सकते हैं। सही है, ऐसे मान लो कि 155 लिखे तो हम इसको 100+50+5 लिख सकते हैं। यानी दो अंकी संख्या को जैसे कि 20+5 लिख दिया। अब हमें तो पता नहीं कि संख्या वो कौन सी है, तो हमने तो एक्स और वाई की फॉर्मेट माननी पड़ेगी। तो हमने संख्या मान ली कि एक्स और वाई थी, और पलटने पर क्या बन गई, वाई एक्स। अब हमने लिखा था, अब इसको लिखेंगे 10x+y, यानी कि इकाई ढाई, यानी कि जहाँ पर ढाई आ रहा है तो 0 लगा दें, 10x+y, और इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स, यानी कि 10y+x। अब लिखा है कि यदि किसी दो अंकी संख्या के अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी कि मूल संख्या ये वाली है, उसे पलटने पर ये वाली प्राप्त हुई है। अब इन दोनों का योगफल करना है, तो 10x+y+10y+x इनको जोड़ दो, ये कितने हो गए, 11y, 11 कॉमन है, यानी x+y। तो योगफल किससे विभाजित होगा, सदैव 11 से। ठीक है भाई, नोट करें। ठीक है भाई, यानी अभी तो हमने पढ़ा है योगफल के बारे में। अब मान लो क्वेश्चन सेम ऐसे आ जाए, अभी योगफल किया, अब क्या करते हैं, अंतर। यानी क्वेश्चन ऐसे आया कि यदि किसी दो अंकी संख्या के अंकों को पलटकर मूल संख्या, अभी तो जोड़ा था, अब क्या करना है, मूल संख्या से घटाना है। ठीक है, यदि किसी दो अंकी संख्या के अंकों को पलटकर मूल संख्या से घटाया जाए तो अंतर सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी यदि किसी दो अंकी संख्या के अंकों को पलटकर मूल संख्या से घटाया जाए तो अंतर सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित, सॉरी 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। सही है, यानी योगफल तो होगा 11 से, और अंतर किससे होगा, अंतर सदैव 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखें, यानी कि हमने संख्या मानी थी एक्स और वाई, और पलटने पर क्या बन जाएगी, बाई एक्स। ठीक है, अब इसको लिखेंगे क्या, 10x+y, और इसको लिख दो 10y+x। ठीक है ना, तो अब अंतर करना है, तो अंतर करेंगे तो बीच में क्या लगा दें, माइनस कर दो, 10x+y माइनस के 10y और माइनस के एक्स, इसमें से इसे घटा दो, 10 में से एक गया तो कितने बचे, 9x माइनस के 9y, 9 कॉमन है, यानी कितनी से विभाजित होगा, योगफल सदैव 11 से और अंतर सदैव 9 से। ठीक है ना, नोट करें भाई। तो अगला क्वेश्चन है, देखें ऊपर, तो देखें क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के
अंकों का गुणनफल कितना है 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कुछ ही सेकंडों में कर लेंगे ऑप्शन से, ठीक है। डिटेल में करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमें तो पेपर में जल्दी करना है तो ऑप्शन उठाएं, ऑप्शन तो आने आने पेपर में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 24 है, तो ऐसा ऑप्शन देखें कि जिसमें अंकों का गुणनफल करने पर 24 आ जाए। तो 5 6 20 गलत, 8 3 24 सही है, आगे 3 8 24 ये भी सही है, और 4 5 20 ये दोनों गलत हो गए। यानी कि अब पहली कंडीशन थी कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 24 है, यानी इस कंडीशन से दो गलत हो गए, दो कैसे हैं सही हैं। अब आगे बात करते हैं, यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंक क्या है पलट जाते हैं, यानी आगे वाले पीछे और पीछे वाला आगे। तो इसमें देख रहे हैं, अगर हमने वाली संख्या मूल है वो मूल संख्या 83 है, यदि हम इसमें 45 जोड़ दें तो ये तो वैसे ऊपर निकल गई, 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो ये भी कैसे हो गया गलत, सही है। इसमें जोड़ लो 38 में 45, 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8। देख लें संख्या पहले हमने मानी थी 38, क्वेश्चन बोला यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी कि 38 में जोड़ दी हमने 45 तो कितने आ गए 83, यानी 3 8 के कितना आ गया 8 3 आ गया, तो मूल संख्या बतानी थी, यानी कौन सा आंसर सही है 83 से 38 सही है, ठीक है भाई नोट करें। ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएंगे, हमें ऑप्शन से करने हैं। इसके जो ऑप्शन लिखे हैं वो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, इसमें जो लिखे हैं बुक में वही लिखा है, ठीक है ना। यानी पेपर में ऑप्शन तो आने आने हैं। अगला क्वेश्चन देखें अब, तो देखें भाई अगला क्वेश्चन, किसी दो अंकीय संख्या में या किसी दो अंकीय संख्या का, यानी किसी दो अंकी संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 7 अधिक है, यानी यदि किसी दो अंक कोई दो अंक की संख्या जिसमें दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना अधिक है 7 अधिक है। यदि हम संख्या से यदि हम संख्या से 63 घटा दें तो प्राप्त की गई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, सही है। यदि किसी दो अंक की यानी कोई दो अंक की संख्या उसमें दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 7 अधिक है, यदि हम संख्या से 63 घटा दें तो प्राप्त की गई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हो जाती है, यानी आगे वाला अंक पीछे पीछे वाला अंक आगे, तो वह संख्या बताइए यानी यहाँ संख्या बतानी है। अब इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है इसका 61, दूसरा है 62, अगला 18 और ये 81 सही है। जो ऑप्शन ना तो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, जो उसमें दे रखे हैं वो कहूँ वही ऑप्शन है, यानी किसी दो अंक की संख्या का दहाई का अंक वो इकाई के अंक से 7 अधिक है। तो इसका हमने चेक किया कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक होना चाहिए, तो ये तो 5 ही अधिक है, ये कैसा है गलत है, सही है। इसकी बात करें तो इसमें भी नहीं है, इसको देख लें
ढाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना अधिक होना चाहिए, पाँच अधिक होना चाहिए। तो इसमें तो वैसे ही कम है, सात अधिक सॉरी, तो ये तो सात अधिक की जगह क्या है, कम है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ढाई का अंक है वो इकाई के अंक से सात अधिक होना चाहिए, जबकि ये कैसा है, कम है। इस पर आ जाए अठारह पर, तो इसको हमने चेक किया, ये तो सात अधिक हो रहा है। अब यदि हम इसमें से 63 घटा दें तो इसके अंक चेंज हो जाना चाहिए। तो देखें भाई, 81 में से 63 घटा दो, 11 में से 3 गए तो 8, 7 में से 6 घटा दो कितना बचा, 1, यानी आंसर क्या होगा, 81 सही है। ठीक है ना, अब पेपर में ऑप्शन तो आने ही है, तो ऑप्शन से करो मतलब जल्दी करना है। पहले क्वेश्चन बुलाता है, पहली कंडीशन है कि ढाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये वाला अधिक की क्या है, कम है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। चौथा बचा, यही सही है, चेक करना चाहते चेक भी कर लें। यदि हम संख्या से 63 घटा दें तो इसके अंक पलट जाते हैं, तो 81 में 63 का कितना आ गया, 18, देख लो 81 जगह 18 आ गया, यानी पलट गया। तो संख्या कौन सी है, 81 है, नोट करें। ठीक है, फिर आगे देखें। क्वेश्चन है, किसी दो अंकों वाली, किसी दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी एक दो अंक की संख्या है उसके अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। ठीक है ना, किसी दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त की गई, तो प्राप्त की गई संख्या वह संख्या होती है किसी दो अंकों वाली संख्या, उसमें अंकों का गुणनफल है वो कितना है, 12। यदि हम उस संख्या में 36 जोड़ते हैं तो प्राप्त की गई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, सही है ना। तो देखें इसके ऑप्शन, 62, 26, 34 और अगला है 43। ठीक है, यानी क्वेश्चन है किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। यदि हम उस संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त की गई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। ठीक है ना, तो देख लें भाई ऑप्शन से, अब 6 दुनी 12 ये भी सही है, 2 छक्के 12 ये भी सही है, 3 चौके 12 ये भी सही है, 34 12 ये भी सही है, यानी पहली कंडीशन तो सारे सही आ रहे हैं। अब अगली कंडीशन है, यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें, कितने जोड़ दें, यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो संख्या के अंक क्या है, पलट जाते हैं। पहला ऑप्शन ले लो 62, इसमें जोड़ दो 36, 6 और 2 8, 6 और 3 9, ये कैसा हो गया, गलत। आगे ले लें 26 और इसमें जोड़ दो 36, 6 और 6 12, 3 2 5 और 1 6, यही सही है। देख लो 26 ये कितना हो गया, 62, बस हो गया, यही आंसर है। आगे अब चेक भी नहीं करना, सही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोल दिया कि यदि वो संख्या में 36 जोड़ते हैं संख्या पलट जाते हैं, यानी देख लो 26 में जैसे हमने 36 जोड़ दिया कितना आ गया, 62 आ गया। अगर इसे चेक करना चाहते हो चेक कर लें, यहाँ भी जोड़ दें 36, 6 और 4 10, 3 3 6 और 1 7, गलत हो गया। इसमें जोड़ कर देख लो 36, 6 और 3 9, 4 और 3 7, ये भी कैसा है, गलत, यानी एक ही सही है, कौन सा, 26, नोट करें। आगे देखें,
क्वेश्चन है कि किसी दो अंकीय किसी दो अंकों वाली संख्या किसी दो अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या किसी दो अंकों वाली है किसी दो अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योगफल110 है। ठीक है ना, किसी दो अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योगफल कितना है, 110 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से दहाई के अंक से 4 कम है। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई ऐसी एक संख्या है दो अंक की, यदि उसके अंक पलट दें और उसका योगफल करो तो 110 आता है, तो वह संख्या बतानी है। और अगली कंडीशन है कि जिसका इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से कितना है, 4 कम है। सही है ना, तो ऑप्शन देखे, पहला ऑप्शन है 48, अगला दूसरा है 84, तीसरा 73 और चौथा 37। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन है किसी दो अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योगफल 110 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है, 4 कम है। तो देखें भाई, यदि 48 है और इसको पलटते हैं 84, इसको जोड़ के 110 आना चाहिए। 8 और 4 12 है, 8 और 4 12 13 है, गलत हो गया। इसको देख लें, पलट लें तो 8 और 4 12 है, 8 और 4 12 है और 1 13, ये भी कैसा है, गलत है। इसको देख लें तो इसमें 37 जोड़ कर देख लो, 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, यही सही है। इसकी बात करें 73, इसको भी जोड़ लें, इसका भी कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों ही सही हो सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं कि दोनों ऑप्शन सही हो। ठीक है ना, तो अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं। क्वेश्चन है, अब अगली कंडीशन थी कि जिसका इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से कितना कम है, 4 कम है। तो ये वाले इससे कितना है, ये वाला इकाई है दहाई से कितना कम है, 4, जबकि ये वाला कैसा है, 4 अधिक है। तो ये वाला कैसा होगा, गलत, यानी कि 73 क्या होगा, आंसर है। ठीक है, नोट करें। ठीक है, फिर आगे देखें। किसी दो अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से किसी दो अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। सही है, यदि मूल संख्या तथा उस संख्या के अंकों का गुणनफल ₹144 हो तो वह संख्या बताइए। सही ना, किसी दो अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से कैसा है, 2 अधिक है,
यदि मूल संख्या तथा उस संख्या के अंकों का गुणनफल 144 हो तो वो मूल संख्या बताइए। तो पहला ऑप्शन है 26, दूसरा है 42, तीसरा है 24 और चौथा मान लो 62। सही है, यानी कि पहला ऑप्शन है 26, 42, 24 और 62। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और वीडियो और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ठीक है, फिर आज के